नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज डेली में आप सभी का स्वागत है। तकनीकी खराबी के कारण फाइटर प्लेन मिग 29 क्रैश, पायलट सुरक्षित। पंजाब में भारतीय वायुसेना का एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया है। नवांशहर जिले में चुहारपुर में शुक्रवार दोपहर मिग 29 क्रैश हो गया। राहत की बात है कि पायलट ने प्लेन क्रैश होने से पहले अपनी जान बचा ली। फिलहाल पायलट एमके पांडे की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मिग 29 के क्रैश होने की खबर पाकर आसपास के गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके बाद जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। वायुसेना को पूरे हादसे के बारे में जानकारी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि वायुसेना के अधिकारी घटनास्थल पर ही आ रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है कि करीब दोपहर 11 बजे आसमान से आग का गोला दिखता नजर आया। लोग खेत की ओर भागे और देखा कि वहां एक विमान गिरा हुआ है, उसमें विस्फोट हो रहा है। विस्फोट के कारण खेत में आग भी लग गई है। आनन फानन में प्रशासन को खबर दी गई। इसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि यह इलाका भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है और पठानकोट आदमपुर समेत कई एयरबेस आसपास है। आमतौर पर ट्रेनिंग के लिए लड़ाकू विमानों का संचालन होता रहता है। संभावना जताई जा रही है कि आज भी ट्रेनिंग के दौरान मिग 29 में तकनीकी खराबी आई होगी और प्लेन क्रैश हो गया। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।